सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं टेक्नो टेक की बातें। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में, जो कि हाल ही अभी एक 12 बजे लॉन्च हुआ, 12:30 बजे लॉन्च हो गया, 12:30 PM को लॉन्च हो गया है। एंड मैं आपको उसके हर एक फीचर्स के बारे में बताऊंगा। एंड ये बताऊंगा मैं आपको, वर्ल्ड का सबसे पहला फोन है जो कि 44 MP कैमरा के साथ आता है, मतलब 44 MP के फ्रंट कैमरा के साथ ऐसा पहला फोन है, दुनिया का सबसे पहला फोन है जो 44 MP के कैमरे के साथ आता है। तो उस कैमरे के बारे में भी बताऊंगा एंड बताऊंगा इसमें फ्रंट में आपको बैक में कितने कैमरे मिलते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको कहाँ फ्रंट में मिलता है, बैक में मिलता है या साइड में मिलता है। उसके बाद बताऊंगा आपको स्पीकर्स के बारे में, उसके बाद इसके डिजाइन के बारे में एंड उसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में एंड इस पे प्रोटेक्शन के बारे में भी बताऊंगा, बैटरी के बारे में भी बताऊंगा एंड प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा, जो सबसे मेन चीज है क्योंकि इसमें बहुत ही हाई प्रोसेसर लगा हुआ है। तो हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा ओप्पो रेनो के हर एक चीज के बारे में जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, प्राइस के बारे में भी बताऊंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी प्राइस के बारे में मैं लिख दूंगा। ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि यहाँ पर मुझे हर एक चीज के बारे में जानकारी लेने में थोड़ा वक्त लग गया। मैं कल से ही कोशिश कर रहा हूँ इसके बारे में जानने के लिए, लेकिन आज पता लगा है कि आज ये लॉन्च हो गया है एंड यहाँ पर आपको देखने को कितने GB का रैम, कितने में आपको कितने में देखने को मिलता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चले चलते मोबाइल स्क्रीन पर, उधर ही बताऊंगा मैं इस फोन के बारे में। तो हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आप यहां पर देख सकते हैं ओप्पो रेनो 3 प्रो स्काई व्हाइट 128 GB और ब्लू 128 GB एंड यहां पर मिडनाइट ब्लैक 128 GB, जिसका प्राइस यहां पर रखा गया है 29,999 रुपये। एंड यहां पर एक आपको 8 GB एंड 256 GB वाला भी आता है, तो उसका प्राइस यहां पर वो फ़ोन नहीं दिया गया, आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर ओप्पो रेनो 3 प्रो लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम फ्लिपकार्ट पर हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं मैं स्काई ब्लू स्काई वाइट को खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 GB रैम एंड 128 GB रोम। बात कर लें इसके कुछ की फीचर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बूफ चार्जर 4.0 देखने को मिल जाता है, 30W का फ्लैश चार्जर है, अल्ट्रा डार्क मोड देखने को मिल जाता है आपको मोबाइल में एंड यहाँ पर 4025 mAh की शानदार बैटरी देखने को मिल जाती है, मीडिया टेक हीलियो P95 देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है एंड गेमिंग प्रोसेसर भी है। यहाँ पर 64 MP का रियल क्वाड कैमरा है, वाइट एंगल यहाँ पर 20x डिजिटल जूम के साथ आपको यहाँ पर शायद ऑप्टिमाइजेशन जूम भी मिलता है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। बात कर लें यहाँ पर वर्ल्ड्स का सबसे पहला 44 MP का डुअल पंच होल कैमरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपको दोनों में आधे आधे मतलब यहाँ पर आपको 22 मेगापिक्सल का आपको मिलता होगा, तो ऐसा नहीं है, एक कैमरा आपको 44 मेगापिक्सल का मिलता है एंड एक कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है, यानी कि 44+2 यहाँ पर मतलब आपको 46 मेगापिक्सल आपको फ्रंट में मिल जाता है दोनों को मिलाकर। ColorOS 7 के साथ ये फ़ोन आता है, Android version 10 इसमें रन करेगा। यहाँ पर 8 GB रैम 128 GB रोम के साथ आपको ये 29,999 रुपये का पड़ जाता है। इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, यहाँ पर आपको थर्ड जनरेशन का फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। अल्ट्रा स्टेबिलिटी वीडियो 2.0 वीडियो बैक्स वीडियो जूम यहाँ पर मिल जाता है आपको। यहाँ पर 6.4 इंचेस की सुपर एमुलेट स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, डॉल्बी एटमोसफियर का आपको स्पीकर में सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लें यहाँ पर कुछ इसके की फीचर्स की, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलता है हाईलाइट्स की, तो यहाँ पर 8 GB रैम 128 GB रोम मिल जाता है, एक्सपांड कर सकते हैं आप यहाँ पर इसको 256 GB तक। यहाँ पर आपको 6.4 इंच की आपको सुपर एमुलेट फुल HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको कैमरे की बात करें 64+13+8+2 मेगापिक्सल के आपको बैक में देख सकते हैं आपको कैमरे मिल जाते हैं विथ डुअल LED फ्लैश के साथ, 44+2 MP के डुअल फ्रंट कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि पंच होल कैमरे आप यहां पर देख सकते हैं। 4025 mAh की शानदार बैटरी देखने को मिल जाती है, हीलियो P95 जो कि एक नया प्रोसेसर है, बहुत ही हाई एंड बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अल्ट्रा स्टेबिलिटी वीडियो 2.0 एंड वीडियो बैक्स आपको देखने को मिल जाता है, वर्ल्ड्स फर्स्ट 44 MP डुअल कैमरा पंच होल कैमरा आपको देखने को मिल जाता है।
1 ईयर अवेलेबल फॉर मोबाइल, 6 मंथ फॉर एक्सेसरी, मतलब यहाँ पर आपको 1 ईयर की गारंटी मिल जाती है एंड 6 महीने की आपको यहाँ पर एक्सेसरी, मतलब यहाँ पर जैसे इसमें चार्जर मिल जाएगा इसके, और जो एक्सेसरी इसके साथ मिल जाएगी आपको, उसमें आपको 6 महीने का मिल जाता है वारंटी मिल जाती है आपको, बना के मिलेगा या फिर रिप्लेस होके मिल जाएगा, अगर वो ज़्यादा ख़राब हो जाता तो आपको बना के भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पर 1 साल का आपको वारंटी मिल जाती है फ़ोन की। बात कर लें यहाँ पर मॉडल ने मॉडल नंबर की, तो यहाँ पर CPH2035 है। मॉडल नेम की बात कर लें तो यहाँ पर रेनो 3 प्रो है। कलर की बात कर लें स्काई वाइट मैंने चुना है यहाँ पर। ब्राउज़र टाइप की बात कर लें यहाँ पर, मतलब कौन सा फ़ोन है, तो यहाँ पर स्मार्टफोन ये है। टाइप सी सिम टाइप की बात कर लें तो यहाँ पर डुअल सिम आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड सिम स्लॉट इसमें नहीं दिया गया है। टच स्क्रीन की बात कर लें तो यहाँ पर इस टच स्क्रीन है। OTG कम्प्लीट बात कर लें यहाँ पर, तो OTG भी आपको मिलता है। साउंड बात कर लें, साउंड की बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस्फेयर का आपको सपोर्ट मिल जाता है। बात कर लें इसके डिज़ाइन फीचर्स की, तो यहाँ पर स्क्रीन इंचेस सबसे पहले आता है। डिस्प्ले इंचेस तो यहाँ पर 6.4 इंचेस की आपको स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर, सॉरी मैंने डिज़ाइन बोल दिया, यहाँ पर डिस्प्ले फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर साइज़ आपको जो मिल जाता है 6.4 मिल जाता है। रेजोल्यूशन यहाँ पर 2400x1080 पिक्सल आपको मिल जाते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात कर लें तो यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले कलर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 16.7M कलर मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। बात कर लें अदर्स डिस्प्ले फीचर्स की, तो यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर 91.5% आपको देखने को मिल जाता है। स्क्रीन सप्लायर सैमसंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से स्क्रीन सप्लायर, मतलब यहाँ पर जो स्क्रीन इसमें लगी हुई है वो सैमसंग की स्क्रीन लगी हुई है, सॉरी स्क्रीन लगी हुई है। बात कर लें यहाँ पर प्रोसेसर फीचर्स की, या OS एंड प्रोसेसर फीचर्स की, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम जो आता है वो एंड्रॉयड वर्जन 10 आ जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर प्रोसेसर टाइप की बात कर लें तो हीलियो P95। एंड यहाँ पर प्रोसेसर कोर की बात कर लें तो ऑक्टा कोर यहाँ पर है, जिसका कोर 2.2 GHz है। यहीं पर आपको बात कर लें सिक्योरिटी क्लॉक्ड बाय स्पीड, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 2 GHz पे क्लॉक्ड ये फ़ोन मिल जाता है। अंडर क्लॉक फ़ोन है, अंडर क्लॉक यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रोसेसर। बात कर लें यहाँ पर मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर्स की, तो यहाँ पर 128 GB 8 GB रैम 29,990 रुपये का आपको पड़ जाता है, 990 या 999 रुपये का पड़ जाता है। एक्सपांड कर सकते हैं आप 256 GB तक। मेमोरी सिम स्लॉट टाइप की बात कर लें तो यहाँ पर डेडिकेटेड सिम स्लॉट आपको दिया गया, मतलब एक अलग से आपको सिम लगाने के लिए मिल जाता है, वहाँ पर आपको मेमोरी लगाने के लिए अलग से एक स्लॉट देखने को मिल जाता है। आप उसमें मेमोरी लगा सकते हैं और 2 सिम कार्ड भी लगा सकते हैं, एक साथ में आप तीनों को लगा सकते हैं। कैमरा फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर कैमरा फीचर्स दिए गए हैं, अवेलेबल हैं यहाँ पर कैमरा फीचर्स। यहाँ पर बात कर लें प्राइमरी कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर 64+13+8+2 MP के आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। प्राइमरी कैमरा फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर 64 रियल क्वाड कैमरा विथ 20x जूम। यहाँ पर मेन कैमरा जो 64 MP का, वो सैमसंग के तरफ से दिया गया है SK5KGW1। बात कर लें पिक्सल अपर्चर की, तो यहाँ पर 1.72 इंचेस की यहाँ पर अपर्चर देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शायद 2 से 3 सेंसर यहाँ पर और वाइट एंगल अल्ट्रा वाइट एंगल यहाँ पर दोनों कैमरे देखने को मिल जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन जूम इसमें दिया गया है। यहाँ पर सेकेंडरी कैमरा अवेलेबल यहाँ पर है, यहाँ पर सेंसर यहाँ पर सेकेंडरी कैमरे के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर 44+2 MP के यहाँ पर डुअल फ्रंट कैमरे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी कैमरे के फीचर्स के बारे में बात कर लें तो वर्ल्ड्स नंबर 1 44 MP डुअल पंच होल कैमरा, 44 मेन कैमरा यहाँ पर दिया गया है, जो कि सैमसंग की तरफ से S5KGH1 दिया गया है। 0.7 μm दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग एंड वाइट एंगल यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्लैश भी मिल जाता है, रियल एलईडी फ्लैश आपको बैक में, डुअल एलईडी फ्लैश आपको बैक में मिल जाता है।
डुअल कैमरा लेंस की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। मतलब प्राइमरी का मतलब बैक कैमरा होता है एंड सेकेंडरी मतलब फ्रंट कैमरा। कनेक्टिविटी यहाँ पर बात करें कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो यहाँ पर नेटवर्क में 4G वोल्टी 4G यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सपोर्ट नेटवर्क यहाँ पर 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ की बात कर लें तो यहाँ पर ब्लूटूथ सपोर्ट यहाँ पर करता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 सपोर्ट करता है। वाईफाई इसमें देखने को मिल जाता है। एंड अदर डिटेल की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टच स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलता है। सिम साइज़ की बात कर लें तो नैनो सिम आप इसमें लगा सकते हैं। यूज़र इंटरफेस की बात कर लें मतलब आपको कौन सा OS रन करेगा, तो यहाँ पर कलर OS 7 आपको रन करने देखने को मिल जाएगा। रिमूवेबल बैटरी नहीं है इसमें, आप बैटरी नहीं निकाल सकते। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सारे अदर फीचर्स सेंसर के बारे में, इलेक्ट्रिक सेंसर, लाइट सेंसर एंड बाकी सारे सेंसर आपको, अप्रॉक्सीमेटली सेंसर बाकी सारे सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। मल्टीमीडिया फीचर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर FM रेडियो तो देखने को मिल जाता है आपको, GPS भी देखने को मिल जाता है, GPS एक ग्लॉसेड डिब्यू देखने को मिल जाता है यहाँ पर। बैटरी फीचर्स, बैटरी एंड पावर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी 4025 mAh की है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर डायमेंशन की बात कर लें मतलब डिज़ाइन की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेर्थ मतलब चौड़ाई की बात कर लें यहाँ पर तो 73.4 mm आपको चौड़ाई देखने को मिल जाती है। हाइट यानी कि लंबाई की बात कर लें तो यहाँ पर 158.8 mm लंबाई आपको देखने को मिल जाती है। डीप मतलब थिकनेस की बात कर लें यहाँ पर मतलब फ़ोन कितना मोटा है पतला, तो 8.1 mm की थिकनेस आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर वेट की बात कर लें तो 175 grams का आपको फ़ोन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर बात कर लें वारंटी की, तो यहाँ पर ब्रांड वारंटी ऑफ 1 year अवेलेबल फॉर मोबाइल एंड 6 months फॉर एक्सेसरी। मतलब यहाँ पर 1 साल की मोबाइल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है एंड 6 महीने की आपको जो आधे साल की, मतलब आधा साल बोल लीजिए, 6 महीना बोल लीजिए, 180 दिन बोल सकते हैं आप, 180 दिन या 6 महीने की आपको वारंटी मिल जाती है। अदर सारे एक्सेसरीज के बारे में मतलब जो इसके बॉक्स में आपको एक्सेसरी मिलेंगी जैसे चार्जर हो गया, ऑक्स केबल हो गया एंड यहाँ पर टाइप सी केबल आपका जो हो जाता है उसकी सबकी आपको 6 महीने की वारंटी देखने को मिल जाएगी। तो यही थी दोस्तों वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं, जो भी गलतियाँ होंगी माफ़ कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में।